ओम मां गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ अपने विषय को आगे बढ़ाने के लिए। हम चर्चा कर रहे थे कि केतु अगर विभिन्न राशियों में मेष से लेकर मीन तक विभिन्न भावों में यानी 1 से 12 भाव में सब भाव में बैठते हैं आते हैं तो केतु कहाँ कहाँ अच्छा फल देंगे, कहाँ कहाँ बुरा फल देंगे, कैसा फल देंगे, उसकी हम चर्चा कर रहे थे। उसकी चर्चा करते करते हम अब वृश्चिक राशि पे आ गए। तुला राशि तक चर्चा कर चुके हैं हम। तो मित्रों अब मैं आप वृश्चिक राशि की चर्चा करूँगा। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है। सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। देखिए हमारा पहली राशि पहला भाव जो है पहला खाना कौन सा होता है, लग्न का खाना। तो अगर केतु वृश्चिक राशि के प्रथम भाव में या लग्न में बैठे हों तो केतु यहाँ बैठकर उच्च के होंगे, उच्च के होंगे तो यहाँ अच्छा फल देंगे। आपका लग्न में है तो बॉडी को अच्छा बनाएंगे, पर्सनैलिटी अच्छी बनाएंगे, आपको साहसी बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, आकर्षक बनाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक होगी। और जातक में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब बढ़ा हुआ होगा। और जातक का क्या होगा, व्यवहार बहुत अच्छा होगा, दिमाग बहुत तेज़ी से काम करेगा, सब शरीर तो अच्छा ही रहेगा। जातक हंसमुख रहेगा और बुद्धिमान होगा, बहुत सुंदर अपना काम बना लेगा अपनी चतुरता से। संतान सुख मिलेगा, संतान को सुख मिलेगा, संतान की शिक्षा परीक्षाओं में लाभ होगा, जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। अपने प्रयत्नों से जातक अपने जीवन में सब कुछ पालेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, पार्टनर से अच्छे संबंध होंगे, डेली बिजनेस में अच्छे संबंध होंगे, सुख मिलेगा, अपने पिता से अच्छे संबंध होंगे और पिता का सम्मान भी करेगा। जातक धर्म में विश्वास करेगा और विदेश यात्राएं भी संभव हैं, विदेश यात्राओं से लाभ भी होगा और हो सकता है विदेश में जाकर काम भी करे, व्यापार करे, विदेश में जाकर के नौकरी करे और विदेश में ही बस जाए, ये भी पॉसिबल है। तो केतु वृश्चिक राशि के प्रथम भाव में भाई बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं, लाभ ही लाभ दे रहे हैं। अब केतु अगर द्वितीय भाव में आ जाए जो धन का भाव होता है तो केतु यहाँ भी अच्छे होंगे और यहाँ धन के भाव में बैठ के भी अच्छे परिणाम देंगे, धन की बारिश तो कराएंगे। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। जातक के परिवार से अच्छे संबंध रहेंगे, परिवार वाले सब मदद करेंगे, जातक परिवार के बहुत नज़दीक ही रहेगा और रोगों से मुक्ति मिलेगी, बड़े बड़े पुरानी बीमारियां दूर हो जाएंगी, कोई बैंक का लोन है ऋण है तो उससे मुक्ति मिलेगी। शत्रु भी बनेंगे पर शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, शत्रु अपने आप ही कम हो जाएंगे भाई। और आपको कोर्ट कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहाँ भी सफलता प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे सिविल सर्विस वगैरह में तो वहाँ भी सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, जल्दी सेलेक्ट हो जाओगे। अपना रिसर्च कार्य करते हो कुछ तो रिसर्च कार्य भी अच्छा होगा, सफलता मिलेगी और रिसर्च कार्य में भी आपको नाम मिलेगा। जीवन में सारा आपको सुख मिलेगा, बड़े बड़े ऊंचे काम करेंगे, सम्मान मिलेगा। अब भाई थर्ड हाउस में केतु आ गए तो केतु की दशा के अंदर जो परिणाम मिलेगा वो केतु की दशा के अंदर मिलेगा, अच्छा परिणाम मिले, संतान से सुख मिले, संतान संबंधी अच्छे परिणाम मिले, संतान की पढ़ाई अच्छी लिखी हो, प्रेम प्रसंगों में सफलता मिले। और परिश्रम तो करना पड़ेगा, परिश्रम करोगे तो परिश्रम तो सफलता मिलेगी। पिता के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती हैं लेकिन वो भी सब दूर हो जाएंगी, पार्टनर से अच्छे संबंध रहेंगे
डेली भजन सदा अच्छे संबंध रहेंगे, परिवार में पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध रहेंगे, पराक्रम भाव में भाई बहनों से अच्छे संबंध रहेंगे। जातक धर्म पर विश्वास करेगा, विदेश यात्राएं संभव है, छोटी मोटी विदेश यात्राएं जाओगे तो उसमें लाभ भी मिलेगा भाई, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। भाई बहनों से अच्छे संबंध, भाई बहन सपोर्ट भी करेंगे, परिवार भी सपोर्ट करेगा, तो मेहनत जरूरी है। जितना अच्छी मेहनत करोगे उतना ही ज़्यादा परिणाम मिलेगा अच्छा। तो भाई लोगों, थर्ड हाउस में भी केतु अच्छा रहा। अब फोर्थ हाउस में अगर केतु बैठे हो, यहाँ शनि की ये क्या है, मूल त्रिकोण राशि है, तो अगर आपकी पत्रिका में शनि का उच्च स्थान के बैठे हों, शनि उच्च के हों, तो केतु भी फिर उच्च के परिणाम देंगे। जातक क्या है, माता के निकट संबंध, चौथा भाव है, तो माता से निकट अच्छे संबंध रहेंगे, माता का आशीर्वाद मिलेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन करोगे क्रय विक्रय तो उसमें लाभ मिलेगा, बड़े बड़े वाहन मिल सकते हैं, उच्च का वाहन योग है। और चतुर्थ भाव में बैठकर विदेश कार्य में भी सफलता मिलेगी, रोजगार के भाव को देख रहे हैं, रोजगार अच्छा होगा, विदेश में रोजगार हो सकता है, नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिल सकती है, प्रोन्नति मिल सकती है, पैसा अच्छा मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान पैदा करोगे, उच्च स्थान प्राप्त करोगे, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन कठिन परिश्रम करोगे, कठिन परिश्रम करने से सारे कार्य आपके आसान हो जाएंगे और पथ की सारी बाधाएं, सारे रोड़े दूर हो जाएंगे और आप बल्ले बल्ले ऐश करोगे। पंचम भाव में अगर आपके केतु बैठे हों भाई, वृश्चिक राशि वालों, तो यहाँ केतु अच्छा फल नहीं देगा भाई। पंचम भाव में तो जातक हंसमुख तो होगा, कुशाग्र बुद्धि भी होगा, पर संबंधी जो हैं अपने साथ नहीं देंगे, परिवार साथ नहीं देगा, पेट के रोग बढ़े रहेंगे, पेट बीमारी रहेगी। कुशाग्र बुद्धि होते हो तो अपने बुद्धि से निगेटिव सोचोगे, बुद्धि तो है लेकिन धनात्मक पॉजिटिव नहीं सोचोगे, निगेटिव सोचोगे, जीवन में धन की हानि भी होगी, ऐसे बेईमानी के रास्तों से पैसा कमाना चाहोगे तो वो अच्छा नहीं रहेगा, ऐसा पैसा चलकर नुकसान ही करेगा, तो निगेटिव एटीट्यूड की वजह से निगेटिव काम करोगे। तो ये पंचम भाव में आपके पता नहीं क्या कर बैठे हैं, आप गलत काम कर बैठेंगे तो आपसे नुकसान होगा। तो केतु यहाँ पर सुख अच्छे तो हैं लेकिन आपको अच्छा सुख नहीं दे पा रहे। छठे भाव में आई है तो यहाँ तो छठा आठवां बारहवां तो भाव ही बेकार है, तो छठे भाव में केतु यहाँ कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे भाई। रोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी, ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु परेशान करते रहेंगे, चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हुई तो नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी के केसों में क्या होगा, असफलता मिलेगी, प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो वहाँ भी सफलता नहीं मिलेगी, या सफलता मिली तो विलम्ब से मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति बुरी रहेगी, अस्थिर रहेगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कभी पैसा आया कभी नहीं आया, नुकसान रहा। तो भाई जातक को परिवार से बहुत दूर रहकर रोजी रोटी कमाना होगा, जातक आपको परिवार से कोई भी आपको सहायता नहीं मिलेगी, आपकी जो वाणी में थोड़ी उग्रता रहेगी, प्रखरता रहेगी, वाणी को ज़रा संभालो, अच्छा बोलोगे तो लाभ मिलेगा वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है, वाणी को सही करो। सातवें भाव में केतु अगर आ गए तो यहाँ पर भी केतु नीच के होते हैं और बुराई फल देंगे, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आएंगी, पार्टनर से समस्या आएगी, डेली वेजर से समस्या आएगी, और कार्य क्षेत्र में रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, अचानक से धनी की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बनी रहेंगी, जातक के भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, कठिन परिश्रम भी लाभकारी नहीं होगा, कितना परिश्रम करोगे पर केतु आपको लाभ नहीं होने दोगे, छोटी छोटी विदेशी यात्राएं होंगी पर उनमें भी नुकसान ही रहेगा, पैसा नहीं मिलेगा। तो भाई सप्तम भाव में बैठकर परिवार से, सहयोगियों से, पार्टनर से अच्छे संबंध नहीं, सब कुछ गड़बड़ है, विदेश यात्राओं में पैसा नहीं, तो सप्तम भाव में बैठ कर के केतु महाराज आपको वृश्चिक राशि वालों अच्छा फल नहीं दे रहे। अष्टम भाव में तो आप देखिए, अष्टम भाव तो 6, 8, 12 वाला चक्कर है, अष्टम घर होने से केतु क्या है यहाँ तो बहुत ही खराब ही फल देंगे,
व्यर्थ के हानिकारक खर्चे होंगे, बेकार के खर्चे खर्चे हो जा रहे हैं, वो सब नुकसान रहेगा। आर्थिक स्थिति अनस्टेबल रहेगी, अस्थिर रहेगी और बुरी रहेगी। पैसा नहीं आएगा, परिवार से दूर जाकर रोजी रोटी कमाओगे, परिवार कोई सहायता नहीं मिलेगी। भूमि भवन और वाहन की क्रय विक्रय करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, हानि होगी। केतु आपको फायदा होने नहीं देंगे। गाड़ी खरीदोगे तो विलम्ब होगा और बहुत विलम्ब से गाड़ी मिलेगी, उसमें भी नुकसान रहेगा। माता के साथ भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। तो भाई अष्टम भाव तो वैसे खराब है, अष्टम भाव के केतु आपको अचानक हानि करा सकते हैं, धन की हानि, धन का लाभ नहीं, बीमारियां, सब कुछ, जुए सट्टे से शेयर से सब नुकसान। आप जल्दी में कुछ शेयर खरीद लोगे वो भी नुकसान दे जाएंगे, इसलिए ऐसा काम मत करो, शेयर से जुए सट्टे से दूर रहो। अब नाइन्थ हाउस में अगर केतु आ गए, नमा भाव भाग्य का भाव होता है, तो यहाँ भी अच्छा फल नहीं देंगे केतु। पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पिता के साथ भी, भाई बहनों के साथ भी। विदेशी यात्राएं तो होंगी पर उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, नुकसान नहीं रहेगा, धन की हानि रहेगी। पेट संबंधी बीमारियां बनी रहेंगी, वो परेशान करेंगी आपको, रोग पेट का रोग ठीक नहीं होगा, तंग करेगा। खाने पीने पर ध्यान रखिए, ढंग से खाना खाइए, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा भाई बहुत ज़्यादा, जिससे केतु लाभ नहीं होने देंगे। तो मेहनत तो बहुत करोगे पर केतु वही लाभ नहीं देंगे। व्यर्थ की हानिकारक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, वो भी लाभ नहीं मिलेगा। संतान संबंधी समस्याएं आएंगी, अचानक से ही धन की हानि हो सकती है। जातक को शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए, अन्यथा हानि होगी। दशम भाव में अगर केतु बैठे हों तो केतु यहाँ भी कभी अच्छा फल नहीं देंगे। व्यवसाय में अथवा नौकरी में कहीं भी जो आप स्थायी रूप से नहीं हो पाएंगे, टेम्प्ररी काम रहेगा। आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, अनस्टेबल, अस्थिर रहेगी। जातक को कार्य के लिए परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। बाड़ी में उग्रता होगी, प्रखरता होगी, दूसरे नुकसान होगा। माता के साथ अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। भूमि भवन वाहन खरीदोगे तो उसमें नुकसान रहेगा, केतु महाराज लाभ होने नहीं देंगे। गाड़ी खरीदेगा तो गाड़ी बड़ी विलम्ब से आएगी, उसमें भी लॉस रहेगा। रोगों से और ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु भी बढ़े हुए रहेंगे, शत्रु नुकसान पहुंचाएंगे। कोर्ट कचहरी के केसों में आपको सावधान रहना चाहिए, आपका झूठा केस बन सकता है, उसमें आप हार जाएंगे, नुकसान रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठोगे तो उसमें भी असफलता मिलेगी या बहुत विलम्ब से आपका सिलेक्शन होगा। जातक को अपने कर्मों को ठीक प्रकार से करते रहना चाहिए, अपने कर्म करोगे अच्छे तो अच्छा फल मिलेगा, यहाँ तो खराब कर्म करोगे तो फल अच्छा नहीं मिलेगा। भाई ग्यारहवें भाव में केतु आ गए, अगर ग्यारहवें भाव में केतु हो तो यहाँ केतु अच्छे परिणाम देंगे। ग्यारहवां भाव लाभ का भाव है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध बन जाएंगे, भाई बहन सपोर्ट करेंगे और लाभ मिलेगा, अचानक से ही लाभ प्राप्त होगा आपको। जातक कठिन परिश्रम करेगा और जो भी परिश्रम करेगा उसका लाभ मिलेगा, लाभकारी तो है। जातक को छोटी छोटी विदेशी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, उनमें लाभकारी होंगी वो। संतान से भी जातक को अच्छा लाभ मिलेगा, संतान को भी तरक्की मिलेगी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा। पार्टनर से जातक के अच्छे संबंध रहेंगे, डेली वेजर्स के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। जातक बहुत ही एक्टिव रहेगा और क्रिएटिव होगा, तो जातक को जीवन में सारे सुख और सब लाभ मिल जाएंगे। तो ग्यारहवें भाव में तो लाभ भाव में केतु लाभ दे रहे हैं भाई, वृश्चिक राशि वालों बल्ले बल्ले है, ग्यारहवें भाव से तो बहुत लाभ मिल रहे हैं। बारहवां भाव तो आप जानते हैं, 6, 8, 12, 3 खाने कुंडली के बड़े खराब हैं, तो बारहवें भाव में तो केतु यहाँ कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। अनावश्यक रूप से खर्चे बढ़े हुए होंगे, क्योंकि खर्चे का भाव है, उस खर्चे से समस्याएं आएंगी। जातक अपनी माता से अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, जातक को भूमि भवन और बाहर में क्रय विक्रय में नुकसान रहेगा, केतु महाराज कभी लाभ नहीं होने देंगे। गाड़ी खरीदोगे उसमें नुकसान रहेगा, रोग और ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी, शत्रु होंगे तो शत्रु परेशान करेंगे, सभी तरह से परेशानियां हैं। कोर्ट कचहरी के केस में भी आपको नुकसान रहेगा, कोई झूठा केस फंसा सकता है, उसमें आप हानि रहेगी।
सभी तरह से आपको हानि मिल रही है भाई। प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे तो वहाँ भी या तो विलम्ब से सिलेक्ट होगे या सिलेक्शन नहीं मिलने देंगे, केतु महाराज आपको सक्सेस नहीं मिलने देंगे भाई। तो जीवन में हमेशा बाधाएं आएंगी और रुकावटें आएंगी, जीवन में व्रत की समस्याएं उत्पन्न होंगी, तरक्की के रास्ते बंद रहेंगे। बारहवें भाव के केतु आपको वृश्चिक राशि वालों नुकसान ही पहुँचा रहे हैं, सफलता नहीं मिलने दे रहे हैं। तो मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को शेयर कीजिए। मैं अभी यहाँ विराम लूँगा, आगे फिर मिलूँगा तो कुछ और चर्चा बढ़ाऊँगा। नमस्कार।